Fusion. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सैमसंग डिवाइस की जो इंटरनल स्टोरेज है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो। सो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, क्या करना क्या नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने जाना है अपने इंटरनल स्टोरेज पे। मैं आपको बताऊंगा कितनी है इंटरनल स्टोरेज, मैं आपको पहले चेक करवाऊंगा। सो आप देख सकते हो ये स्टोरेज है मेरी, ये देख लीजिए मेरी जो इंटरनल स्टोरेज है वो भरी है 9.1 GB। सो अब मैं एक कोड लगाऊंगा अपने फ़ोन पे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी इंटरनल स्टोरेज जो है आपकी फ्री हुई है। सो देखते रहिए आप वीडियो मेरा। इससे जो है आप इजीली जो है अपने फ़ोन की जो है इंटरनल स्टोरेज जो है उसको बढ़ा सकते हो। सिंपल सी ट्रिक है। सो आप अपने फ़ोन पे जो है ये ट्रिक जो है इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपने करना क्या, आपने कोड लगाना है *#9900 और हैश, और इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपने सेकंड वाला ऑप्शन जो है डिलीट डंप स्टेट लॉगआउट, ये आपने इस पर क्लिक करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे, और कहीं भी आपने क्लिक नहीं करना है, बस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी इंटरनल स्टोरेज कितनी बची है। सो मैं चेक करूंगा आपको बताऊंगा। सो आप देख सकते हो ये देखिए 9 GB। इसका मतलब ये है कि आपकी 100 या 150 MB की जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी मेमोरी जो है फ्री हो चुकी है। आप इसी तरह जो है आपकी अपने फ़ोन की जो है इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद जो है आपके फ़ोन को हैंगिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपका फ़ोन जो है हैंग भी नहीं होगा। सो इजीली जो है आप इस ट्रिक को यूज़ करके जो है अपनी फ़ोन की मेमोरी को बढ़ा सकते हो और अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, मिलते हैं।